नमस्कार। अगर आपको दुनिया से कुछ हटकर करना है ना, दुनिया से कुछ अलग बनना है ना, तो ये बातें आपको जरूर फॉलो करनी होगी, वरना आप भी इस भीड़ चाल में कहीं खो जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप भी इस संसार की भारी भीड़ में कहीं ना कहीं आप गुम हो जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर आपको उस भीड़ से हटना है, उस भीड़ से अलग दिखना है, जब आप आओ तो कोई आपका इंतजार करे। अगर आपको ऐसा बनना है ना, तो ये बातें आपको फॉलो करनी होगी आपको जीवन में, तभी आप कुछ हटकर करके दिखा पाओगे इस दुनिया को। वरना इस संसार में सब आते हैं और जाते हैं, और आप भी आओगे और चले जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। नंबर वन, खुद पर विश्वास करना सीख लेना। सबसे पहले तो अगर मन में कुछ करने की तमन्ना है ना, कुछ जुनून है ना, तो खुद पर विश्वास क्रिएट करें। आप ये सोचें कि मैं कुछ कर सकता हूं, मैं इस दुनिया में कुछ करने के लिए आया हूं। अपने आप में एक जुनून पैदा करें, एक जोश पैदा करें, एक उमंग पैदा करें, एक उत्साह पैदा करें। अगर आपको अपने स्वयं पर अगर विश्वास नहीं होगा ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए सबसे पहले तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर डेवलप करना होगा, अपने अंदर एक ऐसा विश्वास, एक जुनून पैदा करना होगा कि आप कुछ कर सकते हो, आप इस दुनिया में कुछ हटकर कर सकते हो और कुछ बड़ा कर सकते हो। सेकंड, अपना अगला प्लान किसी को न बताएं। आप कोई प्लानिंग करते हो ना, अगर जिंदगी में कुछ भी नया करने का, तो किसी को ना बताएं, चुपचाप उस काम को करते रहें, और जब वो काम सक्सेस होगा ना, तब वो काम दुनिया देखेगी। अगर आप करने से पहले ही उस काम का ढिंडोरा पीट दोगे ना, और अगर वो काम सक्सेस नहीं हुआ, तो लोग क्या कहेंगे, अरे कुछ नहीं यार, ये तो सिर्फ बातें फेंकता है, बड़ी बड़ी करता तो कुछ भी नहीं। इसलिए अपना प्लान किसी को न बताए, बस अपने अंदर रहने दे और काम करते रहे, उसके प्रति जुनून पैदा करें और वो करते रहे। जब वो काम सक्सेस हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक वो दुनिया आपका काम देखेगी, और वही दुनिया आपके पीछे चलेगी। इसलिए अपना प्लान सीक्रेट रखें, उस प्लान को पूरी दुनिया को ना बताएं। थर्ड, हमेशा सीखते रहे। जीवन में ध्यान रखना कि वही आगे बढ़ता है जो हमेशा सीखता रहता है। दुनिया हर पल बदलती रहती है, हर सेकंड बदल रही है। अगर आप दुनिया के साथ नहीं बदलोगे, आप दुनिया के साथ में नहीं सीखते रहोगे नई नई चीज़ें, तो आप वहीं ठहर जाओगे, और जब आप वहीं ठहर जाओगे, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको कुछ नया सीखना है, आपको कुछ नया करना है, तो आपको हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहना होगा। इस दुनिया से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा आपको। अगर दुनिया आगे निकल गई और आप पीछे रह गए, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको हमेशा कुछ न कुछ नया सीखता रहे जो आपके जिंदगी के लिए काम आए। फोर्थ, लक्ष्य के प्रति जुनून पैदा करें। आपने कोई लक्ष्य तय किया है, तो उस लक्ष्य के प्रति आपको जुनून पैदा करना होगा। अगर आपने कोई लक्ष्य लिया और उसके प्रति जुनून नहीं है ना, तो आप उस लक्ष्य को छोड़ दें। किसी के जुनून क्या होता है आपको पता है? जब गर्लफ्रेंड कहती है बॉयफ्रेंड को कि मैं रात को तुमसे बात नहीं कर सकती, तुम सुबह 4 बजे मुझे फोन करना, पता है वो बॉयफ्रेंड क्या करता है? एग्जैक्ट 4 बजे अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करता है। तो ये होता है जुनून, ये होता है डेडिकेशन। जब ऐसा ही जुनून, ऐसा ही डेडिकेशन आप वहां रखते हो, तो आप अपने लक्ष्य के प्रति ऐसा जुनून, ऐसा डेडिकेशन क्यों नहीं रख पाते हो? ऐसी कंसिस्टेंसी रखे कि आपको यह काम करना है तो करना है, चाहे इसके लिए आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए, आपको यह काम करना है, तभी आप वो काम कर पाओगे, तभी आप अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ पाओगे।
इतिहास गवाह है, जिसने अपने लक्ष्य के प्रति जुनून नहीं रखा है ना, उसका लक्ष्य कभी पूरा नहीं हुआ है। आपको अंदर जुनून पैदा करना होगा अपने लक्ष्य के लिए, और कुछ त्याग करना पड़ेगा आपको। बिना त्याग के आप कुछ नहीं करना कर पाओगे। आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, और वह एक्स्ट्रा टाइम आपको परिवार का समय कम देना पड़ेगा, आपको दोस्तों को समय कम देना पड़ेगा, आपको अपने समाज को समय कम देना पड़ेगा। वहां से समय निकालकर आपको अपने लक्ष्य में वो समय डालना होगा, तभी आप अपना लक्ष्य अचीव कर पाओगे। अदरवाइज अगर आप वही काम कर रहे हो डेली रूटीन वाला, और अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति दौड़ रहे हो, जब आप अपने लक्ष्य को एक्स्ट्रा टाइम नहीं दोगे तो वह लक्ष्य आपका कैसे पूरा होगा? वो लक्ष्य आपका कभी पूरा नहीं होगा। फिफ्थ, सफल और असफल लोगों से सीखना शुरू कर दें। जिंदगी में ध्यान रखें, हमेशा सफल लोगों से ही न सीखें, असफल लोगों से भी सीखें कि वो जिंदगी में असफल क्यों हुए और कैसे हुए। उनका जो अनुभव है ना, आपको बहुत काम आएगा। हमेशा सफल लोगों के पीछे ही ना भागे, क्योंकि सफल लोग आपको वो असफलता की सीख नहीं सिखा सकते हैं जो असफल लोगों ने सीखी है। इसीलिए हमेशा ऐसी बुक्स पढ़ें, सफल लोगों की बुक्स पढ़ें, असफल लोगों की बुक्स पढ़ें, कि वो जिंदगी में कैसे असफल हुए और जो सफल हुए तो वो कैसे सफल हुए। ये सीख आपके बहुत काम आएगी और आपको जीवन में बहुत आगे बढ़ाएगी। इसीलिए ये बातें हमेशा ध्यान रख लेना। अगर आपको इस दुनिया में कुछ हटकर करना है, कुछ अलग करना है, तो ये बातें आपको उतारनी होगी, तभी आप कुछ नया कर पाओगे और कुछ नया जुनून पैदा कर पाओगे अपने लिए। इसी के साथ आज यही मेरा वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे।